सिलेक्शन मेथड। देखो प्लांट ब्रीडिंग में आप मेन क्या करते हैं, वैरायटी डेवलप करते हैं, वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं। तो वैरायटी को इम्प्रूव करने के या वैरायटी बनाने के दो बेसिक तरीके हैं प्लांट ब्रीडिंग में, एक तो है सिलेक्शन और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। एक तो क्या है, सिलेक्शन, और दूसरा कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन। ये जो सिलेक्शन मेथड है ना, ये सबसे पुराना है और आज भी चल रहा है। बिना सिलेक्शन मेथड के आप कोई भी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते, सिलेक्शन तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बेसिक है ये, ठीक है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत पुराना है। सिलेक्शन मेथड से आप वैरायटी बना सकते हो, आप भी बना सकते हो, इसमें कोई बड़ा विज्ञान नहीं लगा है, बहुत आसान सा तरीका है भाई। बिल्कुल वैसा है जैसे कि मान लो आपके पास, मैं कहूँ कि 100 व्यक्ति हैं, इनमें से कोई एक सबसे शानदार व्यक्ति, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति आप चुन के दिखाइए, आप चुन सकते हो। उन 100 के बीच में कोई एग्ज़ाम कराओ, 50 को चुनो, फिर 50 के बीच में एग्ज़ाम कराओ, 25 को चुनो, फिर 25 के बीच में एग्ज़ाम कराओ, 5 को चुनो, फिर 5 के बीच में एग्ज़ाम कराओ, कोई एक को चुन लो, मिल गया। सेम वही चीज़ तो यहाँ करते हैं हम लोग। सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई वैरायटी बनानी हो, जैसे कि मान लो ये रहा वो फील्ड, आपने देखा कि आपके फील्ड में जो वैरायटी लगी हुई है, आप पहले से कोई एक वैरायटी लगाए हुए हो, वो बहुत ज़्यादा उसमें मिक्सचर हो गया है, अलग अलग प्रकार के प्लांट आ रहे हैं, कोई प्लांट लंबा है, कोई प्लांट छोटा है, किसी की बालियाँ बहुत छोटी है, किसी की बालियाँ बहुत बड़ी है, किसी में नंबर ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा है, किसी में नंबर ऑफ ग्रेन्स कम है, इस तरह के आपको वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसमें से एक नई वेरायटी बनाऊँ जो बिल्कुल एक जैसी हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, जिसकी उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो आप क्या करो, पहले तो अपने कैरेक्टर्स लिख लो कि आपको प्लांट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स चाहिए, उसकी एक लिस्ट तैयार करो, और वो कैरेक्टर जब आपके तैयार कर लो, उसके बाद आप फील्ड में कूदो, देखो आपके कैरेक्टर से मैच खाने वाले कौन कौन से प्लांट हैं, उन प्लांट को आप सिलेक्ट करो, और केवल जिन प्लांट को आपने सिलेक्ट किया है केवल उन्हीं प्लांट को हार्वेस्ट करो, उनके सीड को अगले साल फिर से बो दो, फिर से वही चीज़ रिपीट करो, फिर से उनमें सिलेक्शन करो, जो अच्छे अच्छे प्लांट हैं जो आपको चाहिए उन्हीं प्लांट को सिलेक्ट करो, फिर उनके सीड ले लो, सिर्फ उन्हीं के सीड को हार्वेस्ट करो, फिर अगले साल बो दो, और ऐसा करते रहो। कम से कम 6 से 7 सालों तक आपको ये करना पड़ेगा, तब जाकर आपको होमोजाइगोसिटी और यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपको फिर सिलेक्शन करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, सब जब सारे प्लांट एक से ऐसे होंगे, सब सभी प्लांट आपके बिल्कुल जैसा आप चाहते थे वैसे मिल जाएंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि अब तो सब प्लांट अच्छे हैं, सिलेक्शन किसका करूं, कोई बुरा तो है ही नहीं, तब जब उसके बाद आप उसको एक नई वैरायटी के तौर पर रिलीज़ करवा सकते हो। यही होता है सिलेक्शन, अच्छा प्लांट सिलेक्ट करो और उसको आगे बढ़ाओ, फिर अच्छा प्लांट सिलेक्ट करो उसको आगे बढ़ाओ, इसी को कहते हैं सिलेक्शन। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, और सबसे पुराना मेथड है वैरायटी डेवलपमेंट का, प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। ये जो सिलेक्शन है, ये शब्द दिया था वैज्ञानिक लर्नर ने, किसने दिया था, लर्नर ने। सिलेक्शन के तीन बेसिक प्रिंसिपल है, तीन नहीं, दो बेसिक प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या है, सिलेक्शन वहीं काम करता है जहां पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी, उसी वैरायटी में काम करेगा, उसी पॉपुलेशन में सिलेक्शन काम करेगा जहां पर पहले से ही जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो। जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जीन हो, डिफरेंट जीन होंगे तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब भिन्नता उसके अंदर हो। तो सिलेक्शन कहाँ काम करता है, जहाँ पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी पहले से हो, कन्फ्यूज नहीं होना। एक ये होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, वेरिएबिलिटी को क्रिएट करता है, ये भिन्नता को लेकर आता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट करता है, जबकि सिलेक्शन क्या करता है, ये सिलेक्शन जेनेटिक वेरिएबिलिटी में काम करता है, सिलेक्शन कभी भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्रिएट नहीं करता। जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्रिएट करने का काम हाइब्रिडाइजेशन का है, सिलेक्शन तो उस जेनेटिक वेरिएबिलिटी में काम करता है। जहाँ जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी वहीं आप सिलेक्शन कर सकते हो। सिलेक्शन जो होता है वो हमेशा फीनोटाइप के बेसिस पर किया जाता है। फीनोटाइप का मतलब, एक होता है जीनोटाइप, नाम आपने सुना होगा फीनोटाइप जीनोटाइप, कईयों को तो अभी तक समझ ही नहीं आया होगा फीनोटाइप जीनोटाइप होता क्या है। फीनोटाइप का मतलब होता है उसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, उसका फिजिकल अपीयरेंस, जो आप देख सकते हो किसी भी प्लांट का जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है
वही उसका फीनोटाइप है। और जीनोटाइप मतलब उसकी जो जीन है जिन्हें आप कभी देख नहीं सकते वो उसका जीनोटाइप है। जैसे कि मान लो कोई प्लांट है वो टॉल है तो आप देख सकते हो, आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि हाँ ये प्लांट टॉल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो टॉल कैपिटल टी की वजह से है या कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से है, क्योंकि ये जीन है और जीन को आप नहीं देख सकते। आप किसको देख सकते हो? सिर्फ उसके मॉर्फोलॉजी को। मतलब सिलेक्शन जो आप करोगे ना वो सिर्फ फिनोटाइप के बेसिस पर करोगे, जीनोटाइप के बेसिस पर कभी भी आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। आप सिलेक्शन किस बेसिस पर करोगे? फिनोटाइप के बेसिस पर, ठीक है। तो सिलेक्शन जो होता है वो हमेशा जेनेटिक वेरिएबिलिटी के अंदर काम करता है, कभी भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्रिएट नहीं करता। जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्रिएट करने का काम कौन करता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग वेराइटी हैं जिनके अंदर अलग अलग जीन है, उनको आपस में मिक्स कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अलग अलग प्रकार के जीन एक साथ आ रहे हैं तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है? वेरिएबिलिटी, भिन्नता क्रिएट करता है, जबकि सिलेक्शन उस जेनेटिक वेरिएबिलिटी में काम करता है। सिलेक्शन कभी भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट नहीं करता, ठीक भाई। जैसे कि मान लो ये जो आपका फील्ड है, इस फील्ड के अंदर मान लो 100 प्लांट लगे हुए हैं और 100 की 100 प्लांट एक जैसे हों, सभी की सभी अच्छे हैं, कोई उसके अंदर वेरिएबिलिटी नहीं है, सबके अंदर एक जैसे जीन है, तो आप सिलेक्शन किसका करोगे? जहाँ जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं है वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन तभी होगा जब तक वहाँ पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी ना हो। सिलेक्शन का मतलब होता है सुपीरियर प्लांट को चुनना, जो अच्छा प्लांट होता है उसको चुनो। अब आपके पास 100 प्लांट हैं और 100 की 100 अच्छे हैं, 100 की 100 सुपीरियर हैं, सबके अंदर एक जैसे जीन है, सबकी सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो आप सिलेक्ट किसको करोगे? कोई वेरिएशन ही नहीं है। तो जहां वेरिएशन नहीं है वहां पर सिलेक्शन भी किसी काम का नहीं है। तो सिलेक्शन का पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जहां पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी वहीं पर सिलेक्शन काम करता है। दूसरा, ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ये हेरिटेबल होनी चाहिए, ये दूसरा प्रिंसिपल है। हेरिटेबल का मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना चाहिए। मतलब ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही है वो जीन की वजह से होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की वजह से नहीं। जैसे कि मान लो आपने इसमें एक प्लांट को चुन लिया, वो प्लांट ड्वार्फ है, आपने मान लो आपको जो प्लांट चाहिए था वो ड्वार्फ प्लांट चाहिए था और आपने ड्वार्फ प्लांट चुन लिया, ठीक। लेकिन आपको नहीं पता कि ये ड्वार्फ प्लांट जीन की वजह से है या एनवायरनमेंट की वजह से है। हो सकता है वातावरण की वजह से वो ड्वार्फ हो गया हो। अगर जीन की वजह से ड्वार्फ है तो इस प्लांट से जो सीड बनेंगे वो सीड भी कैसे होंगे? ड्वार्फ ही होंगे। मतलब वो हेरिटेबल होगा, तो वहाँ पर तो सिलेक्शन अपने काम का है। लेकिन अगर मान लो वो जो ड्वार्फनेस है, जो बौनापन है, वो जीन की वजह से नहीं है, वो किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, हो सकता है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजर नहीं मिला हो, पानी नहीं मिला हो, इसलिए वो बौना रह गया हो, और आपने ये सोच कर कि ये जीन की वजह से उसे सिलेक्ट कर लिया, तो अगले साल आप क्या पाओगे? उसके जितने भी सीड होंगे वो सब टॉल मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ आपका जो सिलेक्शन है वो बेकार हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन एक तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी में काम करता है और ऊपर से वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी हेरिटेबल भी होनी चाहिए। मतलब वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी एनवायरनमेंट की वजह से नहीं होनी चाहिए। वैसे तो नाम ही अपन बोल रहे हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब वो जीन की वजह से ही है। मतलब जो वेरिएबिलिटी होगी वो जेनेटिक ही होनी चाहिए, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाली होनी चाहिए। ये दो प्रिंसिपल पर सिलेक्शन काम करता है, ठीक है। इस सिलेक्शन को आप चाहे तो सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी हो या क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी हो, किसी भी प्रकार की वैरायटी हो, सिलेक्शन मेथड का यूज़ होता है। आज की डेट में जितने भी प्लांट ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं सभी में सिलेक्शन मेथड करना ही करना पड़ता है, मोस्ट कंपलसरी है, ठीक। अब ये जो सिलेक्शन मेथड होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक, और दूसरा होता है मास सिलेक्शन। एक होता है प्योर लाइन सिलेक्शन और एक होता है मास सिलेक्शन। इन दोनों को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं प्रोजेनी टेस्ट, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्या? प्रोजेनी टेस्ट। प्रोजेनी टेस्ट क्या होता है उसको समझें। दो चार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। किसी भी प्लांट की रियल वैल्यू, किसी भी प्लांट की रियल वैल्यू को पता करने के लिए, या ये कह सकते हैं उस प्लांट का ब्रीडिंग बिहेवियर क्या है,
वो प्लांट किस तरह से बिहेव करेगा ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में, आप जो भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो उस एक्सपेरिमेंट में उसका बिहेवियर क्या रहेगा। जैसे मेंडल ने किया था ना, मेंडल 32 मटर की वैरायटी ढूंढ कर लाए थे जिसमें से उन्होंने होमोजाइगस वैरायटी पर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको कैसे पता चला कि कौन सी वैरायटी होमोजाइगस है कौन सी वैरायटी हेटरोजाइगस है। उन्होंने भी इसी प्रोजेनी टेस्ट का यूज़ किया था, हालांकि उन्होंने डिस्कवर नहीं किया इसका जो सही कंसेप्ट है वो तो बाद में बिल मॉरिन ने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि भाई प्रोजेनी टेस्ट का जो कंसेप्ट है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये कंसेप्ट इसका दिया था विल मॉरिन ने, ये आप लोग याद रखें। इसीलिए इस प्रोजेनी टेस्ट को विल मॉरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है और विल मॉरिन प्रिंसिपल भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो विल मॉरिन वैज्ञानिक थे उन्होंने ये प्रोजेनी टेस्ट किस क्रॉप पर किया, तो वो क्रॉप थी शुगर बीट। शुगर बीट पर वो क्रॉप कर रहे थे। एक्चुअली में उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो शुगर कंटेंट को बढ़ाने का था, वो शुगर बीट में शुगर कंटेंट को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोजेनी टेस्ट किया था, वहीं से ये कंसेप्ट निकल के आ गया। तो प्रोजेनी टेस्ट का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, साइंटिस्ट विल मॉरिन। क्या है प्रोजेनी टेस्ट भाई, ये जो प्लांट है मान लो एक प्लांट है एक्स, ठीक है, ये प्लांट एक्स हेटरोजाइगस है या फिर ये प्लांट होमोजाइगस है, ये आप कैसे पता करोगे। जैसे कि एक सबसे सिंपल साधारण एग्जांपल मैं बात करूं, एक प्लांट है, ये प्लांट कैसा है, देखने में टॉल है, ठीक है, आप देख के तो बता सकते हो, फिनोटाइप पर बता सकते हो कि ये प्लांट टॉल है। लेकिन टॉलनेस के पीछे दो कारण है इसके, हो सकता है वो कैपिटल टी हो सकता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो। आप देख तो सकते हो कि हाँ टॉल है, लेकिन वो टॉल किसकी वजह से है, होमोजाइगस जीन की वजह से है या हेटरोजाइगस जीन की वजह से, ये आपको नहीं पता। ये आप पता लगा सकते हो इस प्रोजेनी टेस्ट से। प्रोजेनी टेस्ट का मतलब जो प्लांट है, जिस प्लांट का आपको ब्रीडिंग बिहेवियर पता लगाना है, मान लो ये जो प्लांट है एक्स, आपको पता लगाना है कि ये प्लांट होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है। इसे पता लगाने के लिए आपको इसकी प्रोजेनी स्टडी करनी पड़ेगी। मेरे बारे में कुछ जानना है तो मेरे बच्चों के बारे में पढ़ो, मेरे बच्चों के बारे में पढ़ोगे तो उसके बाप के बारे में आराम से जान जाओगे। तो ये जो प्लांट है एक्स, इसका ब्रीडिंग बिहेवियर क्या है, ये हेटरोजाइगस है कि होमोजाइगस है, ये पता करने के लिए हमें इसकी प्रोजेनी को स्टडी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, जैसे कि मान लो वही ये वाला चलो ले लेते हैं, ये प्लांट कैसा है, टॉल वाला प्लांट है, और हमें नहीं पता कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से है या कैपिटल टी की वजह से है, हमें नहीं पता कि ये हेटरोजाइगस है या होमोजाइगस है, बस हम तो देख के कह सकते हैं कि ये टॉल है, हमें यही पता लगाना है। तो क्या करो, ये जो प्लांट है ना एक्स, इसको होने दो सेल्फ पॉलिनेट, सेल्फिंग इसकी होने दो, उसके बाद जो सीड बनेंगे उन सीड को आप कराओ ग्रो अगले साल। ठीक है, जब आप अगले साल ग्रो कराओगे वहां पर इनको स्टडी करो। अगर सभी प्लांट, अगर ये जो इस प्लांट से जितने भी सीड बने हैं अगर वे सभी प्लांट टॉल आते हैं तो आप कह सकते हो कि वो प्लांट कैसा था, होमोजाइगस। और अगर वहां पर कुछ प्लांट टॉल के साथ साथ कुछ प्लांट वहां पर ड्वार्फ भी दिख जाए तो फिर आप कह दोगे कि वो कैसा था, हेटरोजाइगस था। कैसे करके देख लेते हैं, जैसे कि मान लो दो कंडीशन हो सकती हैं, एक कैपिटल टी वाली और एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाली। ठीक है, हम क्या करा रहे हैं, पहले सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से, स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से। यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल टी जो F1 होगा वो कैसा बनेगा, कैपिटल टी मतलब जितने भी प्लांट बनेंगे वो सब कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो जब सभी प्लांट अपन को यहाँ टॉल मिलेंगे तो आप कह सकते हो कि जो प्लांट था वो कैसा था, होमोजाइगस था। इसको करके देखो, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, चेकर बोर्ड से बनाओ, बढ़िया, बहुत सिंपल तरीका, कैपिटल टी स्मॉल टी 3:1 का रेशो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब तीन तो टॉल मिलेंगे और एक ड्वार्फ मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपको मिक्सचर मिलेगा, कुछ प्लांट ड्वार्फ के भी मिल जाएंगे और कुछ प्लांट टॉल के भी मिलेंगे। तो जब आपको मिक्सचर मिले तो आप कह सकते हो बिल्कुल कि हाँ वो प्लांट हेटरोजाइगस था। इसी को तो कहते हैं प्रोजेनी टेस्ट, और ये कंसेप्ट किसने दिया था, विल मॉरिन ने। ठीक है, इसी का तो यूज़ किया था मेंडल ने,
सेम यही तरीका था, बस इसमें जो है कि अपने एक दो साल इसमें एक्स्ट्रा अपने चले जाते हैं। ठीक, तो ये तो रहा अपना क्या प्रोजेनी टेस्ट।